विद्यार्थियों, आज हम राज्य नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में इस अध्ययन करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान की एक प्रमुख जो विशेषता है वह नीति निदेशक तत्व है। विश्व के अन्य देशों के संविधानों में, आयरलैंड के संविधान को छोड़कर, अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के जो है तत्व नहीं है। यानी हमारे जो संविधान में आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निदेशक तत्वों का जो है प्रावधान किया गया है, ये लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार का वर्णन ही नहीं किया, वरन दिशा भी निश्चित की है जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत राज्य को करना है। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था, और इसीलिए उन्होंने नीति निदेशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है, है ना। तो अब हम देखते हैं कि नीति निदेशक तत्वों का अर्थ और स्वरूप क्या है। नीति निदेशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना के द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य इन आदेशों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति के संदर्भ में संविधान की 37वीं धारा में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए गए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस धारा में यह बात स्पष्ट है कि निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है, अर्थात निदेशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी ये तत्व राज्य के संचालन के आधारभूत सिद्धांत हैं, और राज्य का यह कर्तव्य है कि व्यवहार में सदैव ही इन तत्वों का पालन करे। निदेशक तत्वों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जीएन जोशी ने लिखा है कि इन तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत हैं जिनका अनुकरण संघ और राज्यों को करना चाहिए। नीति निदेशक तत्वों के स्वरूप के संबंध में तीन बातें उल्लेखनीय हैं। पहला, इन तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरी, निदेशक तत्व शासन देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। और तीसरा, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक सत्ताओं से है, केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसके अधीन हैं। अब हम देखते हैं कि ये राज्य नीति निदेशक तत्वों में कौन कौन सी बातें सन्निहित हैं। संविधान के धारा 38 से 51 तक राज्य नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इनको कई दो चार भागों में बांट सकते हैं, जिनमें से पांच भागों में बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस दृष्टि से अधिकांश निदेशक तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। संविधान में इस प्रकार के तत्वों का उल्लेख है, जैसे पहला,
राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। दूसरा, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। तीसरा, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। चौथा, राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। पांचवा, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। छठा, मूल संविधान में कहा गया है कि राज्य बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसे इस प्रकार से संशोधित किया गया है कि राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। सातवां है, राज्य अपने आर्थिक साधनों का साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है, राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूता अवस्था में कार्य न करना पड़े। राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, है ना, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, राज्य का कर्तव्य होगा कि गाँव में व्यक्तिगत तथा अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। अगला, वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा और गायों, बछड़ों अथवा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। 42वें संशोधन के द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी दो निदेशक तत्व जोड़े गए हैं और ये इस प्रकार हैं, जिसमें हैं, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों को के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक असमर्थ है या अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में वंचित न रहे। दूसरा है, इसी में जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो है, राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों के भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। तो इस प्रकार जो ये जो दो बातें इसमें जोड़ी गई थी। 44वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन अप्रैल 1979 द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्वों में एक और तत्व जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य ने केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर
सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम करने का प्रयत्न करेगा, वरन विभिन्न देशों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम करने का प्रयत्न करेगा। तो इस प्रकार इन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लोक कल्याणकारी राज्य और जनतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।